नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आज हम जानेंगे, सुरेश चौहान ने बताया कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा घटना जिसमें करोड़ों कार्यकर्ता तैयार हुए। सुदर्शन न्यूज़ चैनल के मुख्य संपादक श्री सुरेश चौहान की ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि व्यवस्था करना नेता का काम है, संस्कार देना संतों का काम है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रताड़ित अगर किसी को किया गया है तो संत श्री आसाराम बापू को किया गया है। मैं उसके लिए कल भी आवाज़ उठाता हूँ, आज भी उठाता हूँ और कल भी उठाता रहूँगा। समाज को उसके ऊपर हुए षड्यंत्र समझना चाहिए। मैं आज भी भाषण में कहा, न्यायपालिका के भी धर्म के ऊपर कैसे आक्रमण किया जा सकता है, इसके सैकड़ों उदाहरण हैं। मैं अपनी चैनल के माध्यम से कई बार कह चुका हूँ, सत्य केवल न्यायपालिका से ही आता है, ऐसा नहीं है। हम तो ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं। सत्य को देखने का नज़रिया केवल न्यायपालिका से नहीं, ईश्वर की दृष्टि से मिलता है, उसको ध्यान देना चाहिए। बापू आसाराम जी पर षड्यंत्र यानी समस्त हिंदू संतों पर षड्यंत्र है। मैं एक बात कई बार कह चुका हूँ कि आज इस भूमि पर दोहराना चाहता हूँ, कोई घटनाएं क्यों होती है वो हमको पता नहीं होता, हमें पुरुषार्थ के साथ उनको बदलना चाहिए। लेकिन बापू जी के साथ इस शताब्दी में सबसे बड़ा प्रताड़ना की जो विषय हुआ है, ये केवल एक व्यक्ति और एक संत का नहीं है, ये समस्त हिंदू संतों का है। क्योंकि जिस गति से, जिस लेवल से, जिस रूट लेवल पर बापूजी काम कर रहे हैं, ये तो होना ही था। ये ऐसा धर्म की रक्षा करने पर अटैक होना की है, हम पे भी हुआ है और वो भगवान ने बचा लिया है और बचाता जाएगा। बापू आसाराम जी पर षड्यंत्र से करोड़ों हिंदू संस्कृत के कार्यकर्ता बन गए। मैं बापू आसाराम जी के बारे में एक बात हमेशा बोलता हूँ साधकों के बारे में, कि हिंदुस्तान में खास करके धर्म रक्षा के विषय में कट्टर कार्यकर्ता तैयार होने में बहुत टाइम लगता है। एक एक कार्यकर्ता तैयार होने में सविनय भी देखिए, शाखा में जाता है, फिर शिविरों में जाता है, फिर भाषण सुनता है, कार्यों में ज्वाइन होता है, आंदोलन में जाता है, तब जाके कहीं कार्य करता है। राजनीतिक कार्य तो इतना पुख्ता नहीं होता, लेकिन जो सामाजिक क्षेत्र में क्रांतिकारियों जो कार्य करता है, उसमें तैयार होने में बहुत लंबा टाइम लगता है। मैं भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ। पूरे विश्व में एक ऐसी घटना है, बापूजी की गिरफ्तारी, जिसके बाद लोग भले ही आंकड़े पर कम ज़्यादा हो, लेकिन कम से कम एक दिन में 1 करोड़ लोग हिंदू कार्यकर्ता बन गए, ऐसी ये घटना है। इसलिए मैं कम से कम आंकड़ा कह रहा हूँ, क्योंकि लोग कहेंगे इतने तो 6 करोड़ नहीं हो सकते हैं, 1 से तो कोई असहमत हो ही नहीं सकता, हमारा शत्रु भी नहीं हो सकता। तो एकदम से वो एक्टिवेट बन गए जो खुद केवल गुरु और भगवान इस लिंक में थे। आध्यात्मिक व्यक्ति ज़्यादा इधर उधर देखता नहीं, समाज में क्या हो रहा है, लेकिन एकदम से वो अपने गुरु के न्याय के लिए संघर्ष करने लगा, तो उसको पता चला कि न्यायपालिका कितनी भ्रष्ट है, तो उसको पता चला कि पुलिस प्रशासन, सरकार, राजनीतिक दल, सामान्य कार्यकर्ता तथा कथित हिंदू संगठन, अन्य साधु संत, ये बिखरे हुए होना, कमज़ोर होना, ये हमारे लिए निंदा का नहीं, चिंता का विषय है।
हम इसीलिए उनका उल्लेख कर रहे हैं। इसलिए ये घटना पता चली और उससे जो कार्यकर्ता बना है, अब मैं जिस जगत से हूँ, मीडिया जगत से, हमारे क्षेत्र में कई लोग अब ये मानने लगे हैं कि ये ठीक है कि FIR हुआ, जो भी हुआ, लेकिन ये अधिक हो गया, ये अब लोग मानने लगे हैं। यहाँ तक कि जो गैर धर्मी हैं वो भी अब ये कहने लगे कि हाँ, अब ये ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब है कि हिंदुस्तान को जिस मुद्दे को लेकर अपने जितने तमाम महापुरुष के नाम लिए, वो जिसे मुद्दे को लेकर जागने निकले हैं थे, वो सारे जगाने का परिपथ क्या होता है। ये बापूजी की घटना ना केवल इस दशक में बल्कि आने वाले शतकों तक बताती रहेगी। और मैं मानता हूँ कि हिंदू को जगाने, संगठित करने और प्रेरित करने में सबसे बड़ी घटना भी रहेगी। जनता की मांग है कि हिंदू संघ से आसाम बापूजी को शीघ्र साथ सम्मान रिहाई किया जाए, और एक विनती है कि सभी युवा वर्ग, हिंदू युवा वर्ग जागृत रहे, क्योंकि समय अभी ऐसा है जग की सभी को जागृत होना बहुत ही अति आवश्यक है। संघे शक्तिर कलयुगे, संगठन की बहुत आवश्यकता है कलयुग में। अगर हम संगठित रहेंगे तो हमारा बल बढ़ेगा, क्योंकि देखो, एक लकड़ी को, जैसे एक पतला सा लकड़ी है, उसको कोई भी तोड़ देगा, लेकिन आप 10 लकड़ी पकड़ेंगे और एक बार में तोड़ने का सोचेंगे तो नहीं टूटेगा। ठीक इसीलिए संगठित होना बहुत ही आवश्यक है। एक लकड़ी को कोई भी तोड़ सकता है, इसलिए हमको संगठित और सभी हिंदू संगठन को एक साथ होकर कार्य करना पड़ेगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कार्यरत होना होगा, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि भारत जैसे भूमि में हम रहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि धर्म की रक्षा करें, और कर्म तो करें लेकिन सत्कर्म अवश्य, रोज 1 घंटा सत्कर्म के लिए समय निकालें, धर्म के लिए समय निकालें और कार्य करते रहें। जय श्री राम।